दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के एक और फीचर के बारे में जिसका नाम है robots.txt रिपोर्ट। सबसे पहले ये जान लीजिए कि robots.txt रिपोर्ट होती क्या है। देखिए रोबोट्स के नाम से ही क्लियर है कि ये जो फाइल है ये आपकी वेबसाइट पर जो क्रॉलर आते हैं, जो रोबोट्स आते हैं उनके लिए बनी है। तो गूगल के जो रोबोट्स आपकी वेबसाइट पर जब विज़िट करेंगे तो सबसे पहले जिस चीज़ को वो विज़िट करने वाले हैं वो है robots.txt फाइल। ना तो वो आपके होम पेज को विज़िट करेंगे ना ही किसी और पेज को विज़िट करेंगे, उनका सबसे पहला काम क्या रहेगा, robots.txt फाइल को विज़िट करना। robots.txt फाइल में हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमें किस पेज को अपनी वेबसाइट के क्रॉल करवाना है और किसको क्रॉल नहीं करवाना है। देखिए यहाँ क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्रॉलिंग का मतलब है कि गूगल के बॉट्स आपकी वेबसाइट के हर उस पेज पे जाएं जिसे आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। बट इंडेक्सिंग जो होता है वो होता है कि गूगल के अंदर जो आपका वो पेज है वो विजिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं robots.txt फाइल कहाँ से आप उसको एक्सेस करेंगे, उसका काम क्या है और किन किन चीज़ों का आपने उस फाइल को बनाने के बाद ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए जब आप अपना गूगल सर्च कंसोल का जो डैशबोर्ड है उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये क्रॉलिंग के अंदर आपको robots.txt फाइल का जो है रिपोर्ट मिल जाएगी। पहले क्या था, पहले कंसोल के अंदर एक और टूल होता था जिसका नाम था robots.txt टेस्टर। तो उसके अंदर हम ये चेक कर सकते थे कि हमारे जो क्रॉलर हैं वो मतलब robots.txt उसको एक्सेसिबल है या नहीं है। बट अभी उस रिपोर्ट को हटा दिया गया है, उसकी जगह पे ये एक नई रिपोर्ट बना दी गई है जिसका नाम है robots.txt। ठीक है, जब इस रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर देखिए ये क्या है, ये नॉन HTTPS वर्जन है, ठीक है, और इसके अंदर www लगा हुआ है, इसमें वो नहीं लगा है। ये विद www है और ये विदाउट है। तो HTTP और HTTPS दोनों वर्जन हैं और साथ में www और नॉन www वर्जन भी इसके अंदर हैं। अब ये जो है ये चार फाइलें आपको तब दिखाई देंगी जब आप इसके अंदर डोमेन प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। बट जब आप इसके अंदर दूसरी URL प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे तो आपको एक ही फाइल यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो डोमेन प्रॉपर्टी और URL प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमने रैंक मैथ के अंदर अपना वीडियो एक बना रखा है, उसको आप रैंक मैथ की सीरीज़ में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो देखिए robots.txt रिपोर्ट के अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहला है लास्ट क्रॉल, यानी कि क्रॉलर ने आपकी वेबसाइट को लास्ट टाइम कब क्रॉल किया था। अगर किसी फाइल को वो फैच नहीं कर पा रहे हैं तो क्या क्या एरर्स हैं उसके अंदर, वार्निंग्स हो सकती हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्जन हैं। वर्जन का मतलब ये है कि अगर क्रॉलर रिसेंट robots.txt फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो उसके प्रीवियस वर्जन को जिसको वो एक्सेस कर पा रहे थे उसको ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, और उसका साइज़ क्या है। रिक्वेस्ट अ रिक्रॉल, मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ बड़ा चेंज करते हैं। मान लीजिए पहले आपने क्या किया था कि कोई ऐसा पेज था जिसको आपने robots.txt के लिए एक्सेसिबल कर रखा था, यानी कि अलाउड कर रखा था, बट अब आप उसके अंदर चेंज कर देते हैं, आप उसको डिसअलाउ कर देते हैं, तो उस केस में आपको एक रिक्रॉल कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जो है क्रॉलर उसको विजिट नहीं करेगा या क्रॉल नहीं करेगा। तो ये जो काम है इनके लिए हम robots.txt रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। अब देखिए इन सारे ऑप्शंस को हम अपनी फाइल के अंदर भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या दिखा था, लास्ट क्रॉल कब किया, तो जब यहाँ पर देखेंगे चेक्ड ऑन, यानी कि लास्ट टाइम क्रॉलर ने आपके इस जो फाइल को कब एक्सेस किया था, उसका स्टेटस क्या है, वो फैच हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर यहाँ पर कोई एरर होगी तो वो एरर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब एरर क्या क्या हो सकती है, देखिए इसके अंदर ये तीन हमारे पास रिजल्ट आ सकते हैं, या तो फैच हो सकता है तो फैच हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, या फिर क्या हो सकता है नॉट फैच्ड नॉट फाउंड, ठीक है, या फिर नॉट फैच्ड एनी अदर रीज़न। अब इसके अंदर जब फैच है तो कोई इशू नहीं है, यानी कि जो क्रॉलर है वो robots.txt फाइल को अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हैं, बट अगर क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या रीज़न हो सकते हैं। तो पहला रीज़न तो है नॉट फाउंड 404, दूसरा रीज़न है एनी अदर रीज़न। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप उनके पास ये फाइल है, आपके सर्वर पे ये वेबसाइट ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है
और क्रॉलर को ये वेबसाइट मिल भी रही है बट वो उसको क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा केस है। अभी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि अगर आपकी वेबसाइट पे robot.txt फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर क्रॉलर ये मानेंगे कि उस आपकी वेबसाइट पे जितने भी URL हैं वो सब एक्सेसिबल हैं, उसमें से किसी को भी ब्लॉक वो नहीं करेगा, यानी हर URL आपकी वेबसाइट पे robot.txt रोबोट्स के लिए जो है वो एक्सेसिबल होगा। बट अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर जो रूल्स लिखे हुए हैं वो क्रॉलर जो है उसके हिसाब से ही काम करेंगे। तो अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है तो हो सकता है क्रॉलर आपकी पूरी वेबसाइट को क्रॉल ही ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस हो गए कि अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो सारे के सारे पेजेस को वो ईजिली क्रॉल करेगा, लेकिन अगर एग्जिस्ट करती है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, फैच नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको क्रॉल नहीं करेगा। तो यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, नॉट फाउंड और एनी अदर रीज़न। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने होस्टिंग सर्वर से बात करनी पड़ेगी कि ये क्या क्यों इशू आ रहा है कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है बट क्रॉलर जो है उसको क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये दोनों केस होते हैं और 12, तो उस केस में क्या होगा, हमारी वेबसाइट जो है वो 12 घंटे के लिए गूगल के क्रॉलर क्रॉल नहीं करेंगे, फर्स्ट 12 आवर्स के लिए, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में 12 आवर्स के बाद क्या होने वाला है, 12 आवर्स के बाद अगर वो नए वर्जन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने 12 घंटे तक कोशिश की, ठीक है, कोई भी नया वर्जन उन्होंने उस नए वर्जन को वो क्या है फैच नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, वो पुराने वर्जन को यूज़ करेंगे जो पुराना ठीक वर्जन था 30 डेज के लिए, यानी कि 12 घंटे के बाद नेक्स्ट 30 डेज के लिए किसको यूज़ करेंगे, जो ओल्ड वर्जन था। अब वर्जन कहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी ये फाइल है, इसको हमने जब ओपन किया तो यहाँ पर ये देखिए ये वर्जन सारा है, ये हमारी फाइल का एग्जैक्टली कैसे दिखाई दे रही है ये वो है। अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हमारी जो है लाइव भी robot.txt ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो है ये है वर्जन, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो अभी कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं है, यही लेटेस्ट वर्जन है, इसके अलावा क्योंकि इसमें कोई एरर भी नहीं है तो हो सकता है यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा वर्जन देखने को मिले अगर कोई इशू होगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो पुराने वर्जन को जो है 30 डेज के लिए वो उसको एक्सेस करेगा, मतलब उसको क्रॉल करेगा। अब 30 डेज तक जब वो ओल्ड वर्जन को यूज़ करता रहेगा, उस टाइम के अंदर भी वो जो लेटेस्ट वर्जन है उसको एक्सेस करने की कोशिश करता रहेगा, फैच करने की लगातार कोशिश करता रहेगा। बट अगर 30 डेज के अंदर भी वो जो रीसेंट वर्जन है वो एक्सेसिबल नहीं है, फैच नहीं हो पा रहा है, तो गूगल क्या करेगा, आपकी जो वेबसाइट है उसके लिए ये मान लेगा कि इस पर कोई भी robot.txt फाइल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा कि अगर वो 12 घंटे तक क्रॉल, 12 पहले 12 घंटे क्रॉल ही नहीं करेगा, उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज के लिए ओल्ड वर्जन यूज़ करेगा, और 30 डेज में भी अगर एरर फिक्स नहीं होती है तो वो कंसीडर कर लेगा कि यहाँ पर कोई भी फाइल इस वेबसाइट के लिए नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, ये robot.txt फाइल है, ये डोमेन और URL प्रॉपर्टी दोनों के लिए ही आप एक्सेस कर सकते हैं, दोनों के लिए ही ये काम करेगी। बट अगर यहाँ पर आपने एक पाथ डिफाइन कर दिया, पाथ का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया ABC, तो इसके लिए ये एक्सेसिबल नहीं होगी, ये URL वर्जन नहीं है। URL वर्जन में तो हम पूरा एक URL लेंगे और डोमेन में सिर्फ हम ये वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। तो URL और डोमेन वाला जो है वो वीडियो आप देख लेंगे तो उसको आपसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। पाथ इसके अंदर बेसिकली नहीं होगा, पाथ का मतलब होता है जैसे यहाँ पर हमने ABC लिख दिया, तो ये जो एक पाथ बन गया पूरा HTTPS से लेके, ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर इसकी रिपोर्ट हमारे को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको इसको रिक्रोल करवाना है तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा हमें रिक्वेस्ट अ रिक्रोल, तो यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, रिक्रोल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, हमारी जो robot.txt फाइल है यहाँ पर योस्ट आ रहा है, योस्ट ऐसे नहीं आएगा। जनरली हमारी जो फाइल है वो इस तरह से होगी, यूज़र एजेंट डिसअलाउ, तो डिसअलाउ का मतलब यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि ये हमारी जो WP एडमिन है उसको एक्सेस ना करे, ठीक है। और साथ में हम इसके अंदर साइट मैप को भी डाल देते हैं, क्योंकि साइट मैप में हम वही पेजेस डिफाइन करते हैं जिनको हम क्या करवाना चाहते हैं, इंडेक्स करवाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो क्रॉलर हैं
वो हमारे इन पेजेस पे आए, मतलब रोबोट डॉट टीएक्सटी में आके पहले उसको डिफाइन कर देंगे कि किसको एक्सेस करना है, किसको नहीं करना है, और फिर उसके बाद हमारे साइट मैप के ऊपर वो आने चाहिए, ठीक है। अब जो है वो रोबोट डॉट टीएक्सटी टेस्टर जो है इन्होंने यहाँ से हटा दिया है, बट अगर आप किसी फाइल को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी वैलिडेटर लिखेंगे, और उसके बाद जो भी जैसे ये एक वेबसाइट आ रही है, ये वेबसाइट जो है रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल, मान लीजिए ये आपकी फाइल है, और यहाँ पर यूआरएल को एंटर करेंगे, फिर यूज़र एजेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, गूगल स्मार्ट बोर्ड सेलेक्ट कर लें, और फिर इसके अंदर आप इसको टेस्ट पे क्लिक करके टेस्ट कर सकते हैं कि ये क्रोलर के, जब क्रोलर इसको क्रोल करेंगे तो ये अलाउड होगा, ये फैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए 200 ओके आ रहा है, मतलब ये अलाउड है, फैच कर पाएगा, कोई एरर इसके अंदर नहीं आएगी। तो पहले ये टूल कंसोल में था, लेकिन अब इसको कंसोल से हटा दिया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ।